राम राम। दृढ़ इच्छा शक्ति बनाने के लिए कुछ सरल प्रयोग, हमारा आज का विषय यही है। आज मैं कुछ ऐसा प्रयोग, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आपको देने वाला हूं कि अगर आप साधना नहीं भी करेंगे, कुछ नियमों का पालन करते जाएंगे, तो आपके जीवन में आपकी इच्छा शक्ति अत्यंत प्रबल हो जाएगी, आपकी इच्छा शक्ति अत्यंत दृढ़ हो जाएगी। आइए हम उस नियमों की चर्चा करते हैं। इस नियम को ध्यान से सुने। जब भी मेरे वीडियो को देखें तो यह ध्यान दीजिए कि आपको बिल्कुल एकाग्रता से मेरे चीज़ों को, मेरे वीडियो को ध्यान से सुनने का प्रयास करना चाहिए। हम टॉपिक पर ही चलते हैं। रूल फर्स्ट, समाज में उस व्यक्ति का सम्मान होता है जो गोपनीयता बनाए रखता है। आपके मित्र या परिचित या अपरिचित किसी भी व्यक्ति का अगर कोई रहस्य आपके पास है तो उसे कभी भी प्रकट मत होने दीजिएगा। यह प्रथम फार्मूला है। यह ध्यान दीजिएगा, चाहे उस व्यक्ति से किसी प्रकार की वाद विवाद हो गया है, उससे आपका मतभेद हो गया है, उससे आपकी लड़ाई हो गई है, फिर भी कुछ भी हो जाए, कभी भी उसके रहस्य को प्रकट मत होने दीजिएगा। मानवता यह नहीं कहती कि झगड़ा होने पर आप उसके रहस्य को प्रकट कर दें, वो भी सबके सामने। जो जितना रहस्यमय होता है समाज में उसका उतना ही अधिक सम्मान होता है। अगर आपके अंदर बिल्कुल सिक्रेसी नहीं है, बिल्कुल गोपनीयता नहीं है, तो आपका सम्मान भी बहुत देर तक बना नहीं रहेगा। फार्मूला नंबर दो, अपने चेहरे को हमेशा निर्विकार बनाए रखें। अगर कोई व्यक्ति कुछ बातें, कुछ रहस्य की बातें, कुछ जानकारी की बातें आपको बताता है, भले ही आपको वह जानकारी, वह रहस्य पहले से ही पता हो, फिर भी अपने चेहरे से यह व्यक्त न होने दे कि आप उस जानकारी या उस रहस्य को पहले से भी जानते हैं। आपको इसका विशेष ध्यान रखना है, बल्कि अपने चेहरे से यह भाव व्यक्त करें, अपने बातों से यह भाव प्रकट करें कि यह जानकारी आपको पहली बार ही मिली है। नेक्स्ट फार्मूला क्या है? अपने मस्तिष्क को विचार शून्य बनाने का प्रयास करिए। आप विचार शून्यता का जितना अधिक अभ्यास करेंगे, आपके चेहरे पर उतने ही अधिक भव्यता आएगी। विचार शून्यता की साधना मैंने पिछले वीडियो में बताई है, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। आपको यह प्रयास करना चाहिए कि अधिकतम से अधिकतम विचार शून्यता का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि विचार शून्यता की साधना से आपके शरीर में एक अजीबोगरीब संतुलन करने की क्षमता विकसित होती है। आप हर चीज़ों पर अपने आप को हर समय में, हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित बनाए रखने का अच्छा प्रयास कर लेंगे, अगर आप विचार शून्यता की साधना करते हैं तो। विचार शून्यता की साधना करने से आपकी शक्ति असंख्य गुना बढ़ जाएगी, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, आपकी बुद्धि अधिक तीव्र हो जाएगी, बुरे विचारों का नाश हो जाता है विचार शून्यता की साधना करने से, और मन में अच्छे विचारों का प्रादुर्भाव हो जाता है विचार शून्यता की साधना करने से। विचार शून्यता की साधना मैंने अपने पिछले वीडियो में भली बात समझाई है, फिर भी जो लोग नए इसको देख रहे हैं वो हमसे कमेंट के माध्यम से या हमारे व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से हमें इस बारे में अवगत कराएं, और मैं उनको विशेष मदद करूंगा विचार शून्यता की साधना करने में। नेक्स्ट फार्मूला क्या है? हमेशा कम बोलिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतने ही अधिक शक्ति आपकी नष्ट होगी। फलस्वरूप उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, अधिक कार्य करना पड़ेगा। इसलिए जितना संभव हो कम से कम बोलने का प्रयास करें। यदि न बोलने से काम चल जाए तो न ही बोलना बिल्कुल सही रहेगा। मूर्ख, अशिक्षित और दुर्बल चित्त वाले व्यक्तियों की संगत न करें, क्योंकि वे हर समय आपको निराशा में डालते रहेंगे,
उनके पास अपना तो कुछ होता नहीं है, उनका जीवन तो प्रायः असफल ही हो चुका है। वो आपको भी अपने संगत के चलते असफल बनाने का प्रयास करेंगे। उनके मन में तमाम बुराइयां हैं और आपके मन में भी वह बुराइयां भरते जाएंगे। संगति का असर पड़ता है, अतः ध्यान दें कि संगति आपकी अच्छी होने चाहिए। अतः बुरे व्यक्तियों की संगति, अशिक्षित व्यक्तियों की संगति और दुर्बल चित्त वाले और महामूर्ख व्यक्तियों की संगत से अभी तौबा कर लीजिए, क्योंकि जितने देर उनके साथ रहेंगे उतना ही अपना नुकसान करेंगे। नेक्स्ट फार्मूला क्या है? दिन में कुछ समय ऐसा रखें जिसमें आप एकांत में व्यतीत करें। उस समय कोई आपको व्यवधान ना दे और आप भी व्हाट्सएप पर चैटिंग ना करिए, मोबाइल से कॉल मत करिए, किसी से वीडियो कॉल ना कीजिए, किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात मत करिए। बिल्कुल वो आपका समय हो, बिल्कुल एकांत। वो समय आप अपने लिए दे रहे हैं, किसी औरों के लिए नहीं। सारे कम्युनिकेशन जो भी व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सब कुछ बंद कर दीजिए। उस समय वो समय आपका अपना होना चाहिए। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? कुत्ते को शांति कहाँ मिलती है? बिल्कुल भीड़ भाड़ वाले एरिए में। आप देखिएगा कुत्ते कहाँ सोते हैं, जहाँ आपका दरवाज़ा हो वहाँ सोएंगे, जहाँ सड़क होती है वहाँ सो जाएंगे। कुत्तों को शांति मिलती है भीड़ भाड़ वाले जगह में। बंदर को शांति मिलती है सबसे ऊंचे पेड़ की टहनी को पकड़ करके सोने में। और इंसान को शांति मिलती है, व्यक्ति को शांति मिलती है एकांत में। अतः अपने जीवन का कुछ क्षण, कुछ समय एकांत में व्यतीत करने का प्रयास करना शुरू कर दें, और वह समय आपका अपना हो, किसी औरों के लिए नहीं, इस शरीर के लिए, अपने लिए। नेक्स्ट फार्मूला क्या है? यदि आपको कोई क्रोधित करे, यदि कोई आपको गुस्सा दिलाए, तब भी आप अपने ऊपर नियंत्रण, बैलेंस बनाने का प्रयास करिए। आप प्रयास करिए कि आपको क्रोध ना आए, चाहे वो आपके अपने कोई हो, आपके मित्र हो, आपके माता पिता हो, आपके घर वाले हो, आपकी वाइफ हो, आपके पति देव हो, या कोई ऐसा रिलेशन, कोई गर्लफ्रेंड हो, कोई बॉयफ्रेंड हो, कोई भी रिश्ता हो। कभी कभी आप प्रयास करिए, कोई लाख गुस्सा दिलाए तो अपने मन को बैलेंस करिए कि आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं आना चाहिए, इसका अभ्यास करिए। नेक्स्ट फार्मूला है, कभी कभी हंसी वाली बात पर भी आप बिल्कुल ना हंसे। आप प्रयास करिए, अपने मन को नियंत्रण में लाइए, अपने ऊपर बैलेंस करिए कि आप बिल्कुल नहीं हंसेंगे। यह प्रयोग है, यह प्रयोग करना है। ये मैं जो भी प्रयोग बता रहा हूँ ना, एक बैलेंस बनाने की प्रक्रिया है, अपने ऊपर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। इसलिए कभी कभी आप ये भी प्रयोग कर लें कि हंसी वाली बात हो, सब लोग हंस रहे हैं, फिर भी आप अपने आप पर नियंत्रण करें कि आप बिल्कुल ना हंसे। यह प्रयोग मैंने कुछ बताया है, इस प्रयोग को आप करिए और देखिए 2-3 हफ्ते में क्या रिजल्ट मिलता है, क्या चमत्कारिक लाभ मिलता है। आपके जीवन में खुशियां ही आएंगी, दुख तो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। इस प्रयोग को करके देखिएगा। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है, कोई जटिल समस्या है जिसका आप समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे माध्यम से अपने घर बैठे बैठे लाइलाज समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं। हमारे भारतीय विद्याओं में इतनी शक्ति है कि पूरे वर्ल्ड की समस्या को वह साल्व कर सकती है। पूरे विश्व का समाधान हमारे भारतीय विद्याओं के मूल में है, और इसलिए बिल्कुल मत घबराइए। कोई भी टेंशन हो, कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की कोई समस्या क्यों ना हो, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, या जीवन से जुड़ा कोई भी समस्या क्यों ना हो, उसका समाधान आप अपने घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं मेरे माध्यम से, जिसके लिए प्रभु ने मुझे निमित्त बना करके आप लोग की सेवा में भेजा है। धन्यवाद।